इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक निर्दलीय महापौर प्रत्याशी के वाहन को बिना परमिशन के प्रचार करने के दौरान जब्त करने की कार्रवाई की है, जिस पर 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल इंदौर शहर में बीजेपी के साथ कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार जमकर चल रहे हैं, वहीं दोनों पार्टियों के बीच निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं। कल मंगलवार की शाम एक ऐसे वाहन को विजयनगर पुलिस ने जब्त किया है जो निर्दलीय प्रत्याशी का है, बिना परमिशन के दूसरे महापौर प्रत्याशी का प्रचार चार पहिया वाहन से किया जा रहा था। विजयनगर पुलिस ने वाहन को जब्त कर 188 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक हम लोग जब इलाके में राउंड ले रहे थे तो एक प्रचार वाहन पकड़ा गया था, जो महापौर प्रत्याशी का प्रचार कर रही थी। उसकी चूँकि परमिशन उसके कांच पर नहीं लगी थी, उसको परमिशन देखा गया तो किसी अन्य संतोष शर्मा के नाम की वो निर्दलीय प्रत्याशी की वाहन अनुमति थी, और जबकि वो प्रचार किसी अन्य का कर रहा था। उस व्यक्ति से पूछताछ की गई और उससे परमिशन चाही गई, तो उसके द्वारा परमिशन ऑथेंटिक नहीं पेश कर पाई, ना ही मूल प्रति जो उसकी चस्पा होनी थी वो थी। तो वो चूँकि नियमों का आचार संहिता का शुद्ध उल्लंघन है, 188 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और वाहन जब्त करके हमारे द्वारा थाने पर खड़ा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।